हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस कैटेगरी रैंक, जो कि एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, हर एक स्टूडेंट को इसका जानकारी होना चाहिए। और ये फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में क्या क्या वेरिएशन आ सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल आएगा, उसका क्या रैंक होगा, और सेकेंड अटेम्प्ट के लिए कितना मार्क्स चाहिए होगा सेम परसेंटाइल और रैंक के लिए। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर सेम इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश में चाहिए तो इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियो को सब्सक्राइब करें, जो कि मेरा पुराना चैनल है। ये एक न्यू हिंदी चैनल है, तो सपोर्ट करें ताकि इस पर भी ज़्यादा लोग आ सके और ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके। तो इस वीडियो में टोटली एक्यूरेट डेटा होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे एनालिसिस किए गए हैं, बहुत सारा एफर्ट लगा है, क्योंकि हम 3-4 सालों से इंग्लिश चैनल के थ्रू लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, वो सारा इन्फॉर्मेशन को ऐड करके ये वीडियो में डाला गया है, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा जिसमें कि सारा चीज़ एक प्लेस पे अवेलेबल हो, खास करके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस कैटेगरी रैंक, क्योंकि कैटेगरी रैंक बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना। बट हम 3-4 सालों से लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मेरे पास, जिससे कि हम आपको बता पा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और जो भी आपको फीडबैक देना हो वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, जैसा भी आपको वीडियो लगा, या फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप दे सकते हैं वीडियो का कमेंट सेक्शन में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो अगर आप परसेंटाइल 99.9+ का बात करें तो उसके लिए 200 मार्क्स चाहिए होगा इस वाले अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि जनवरी अटेम्प्ट है अभी के हिसाब से, और सेकेंड अटेम्प्ट जो कि अभी टेंटेटिवली अप्रैल में है, बट उसका चेंजेस हो सकता है अगर कोविड का प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए 225 मार्क्स चाहिए। और ये जो मार्क्स हैं ये मॉडरेट पेपर के लिए हैं, अगर ईजी और हार्ड होता है तो उसमें मार्क्स चेंज होंगे। उसके लिए आप मेरा मार्क्स वर्सेज परसेंटाइल का वीडियो देख सकते हैं, उसमें हम तीनों तरह के पेपर के लिए मार्क्स बताएं, एक परसेंटाइल के लिए कि इजी पेपर में कितना चाहिए, मॉडरेट में कितना, हार्ड में कितना। तो अगर हार्ड होता है थोड़ा कम मार्क्स चाहिए, इजी होता है थोड़ा ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तो वो अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। तो 99.9 पे जो आपका रैंक होगा जनरल का 900, ओबीसी का 200 के अंदर होगा, ईडब्ल्यूएस का 50 के अंदर, और एससी एसटी का श्योरली 5 रैंक के अंदर होगा, हो सकता है आप फर्स्ट भी आ सकते हैं। और 99.8+ परसेंटाइल के लिए 195 एंड 220 मार्क्स का जरूरत होगा फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में रिस्पेक्टिवली। और जनरल के लिए 1,800 रैंक होगा, जो कि सीआरएल रैंक होगा, और ओबीसी के लिए 320 कैटेगरी रैंक। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको जनरल रैंक मिलेगा, साथ में कैटेगरी रैंक मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 120, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 10। और 99.5+ का बात करते हैं तो 182 और 205 जो कि फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट के लिए है, और जनरल के लिए जो इस परसेंटाइल पे रैंक होगा वो 4,500, ओबीसी के लिए 1,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 500, एससी के लिए 50, एसटी के लिए 20 रैंक। और अगर आप 99+ परसेंटाइल का बात करें तो 165-196 मार्क्स रिक्वायर्ड होगा फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, और इसमें जो रैंक होगा वो 9,000 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 2,300, ईडब्ल्यूएस के लिए 950, एससी के लिए 160, एसटी के लिए 40 रैंक। अब इसके बाद अगर बात करते हैं 98+ परसेंटाइल के लिए तो 155 मार्क्स का जरूरत है फर्स्ट अटेम्प्ट में, 185 का सेकेंड अटेम्प्ट में, और जनरल का रैंक जो होगा वो 18,000, ओबीसी का 5,000, ईडब्ल्यूएस का 1.9, एससी के लिए 350, एसटी के लिए 70 रैंक का जरूरत होगा। तो ये सारे जो डेटा हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए, और ये आसानी से मिलते नहीं, यूट्यूब पे आपको इस तरह का वीडियो नहीं मिलेगा जहाँ पे सारा डेटा एक साथ दिया गया हो। तो ये बहुत सारा एफर्ट इसमें लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इंग्लिश चैनल को भी करें, और इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अभी इसके बाद हम कुछ और डेटा बताएंगे, उसके पहले हम बताना चाहेंगे कि जिस समय काउंसलिंग होगा उस समय आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंप्लीट मेंटरशिप चाहिए तो उसके लिए कुछ चार्जेस हैं, बट ऑन अ डेली बेसिस हम आपको गाइड करेंगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक कवर करने हैं, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर अदर एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम का डायनेमिक्स अलग है, किसी में ज़्यादा टाइम है तो कम क्वेश्चन है, किसी में कम टाइम है ज़्यादा क्वेश्चन है, वो डिपेंड करता है किस तरह का एग्ज़ाम आप जा रहे हैं, उसी तरह का प्रिपरेशन आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि हम जेई का प्रिपरेशन करके सारे एग्ज़ाम को अच्छे से कर सकते हैं, वो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आप बिटसेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वीआईटी के लिए, ACCC के लिए, उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम अभी से एग्ज़ाम तक पहले एग्ज़ाम के लिए गाइड करेंगे, ताकि उसमें आपको अच्छा रिजल्ट आ सके, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कॉलेज सिलेक्शन के लिए, जिसको कि काउंसलिंग गाइडेंस बोलते हैं। तो अभी से लेकर एडमिशन तक हम आपको गाइड करेंगे, जिससे कि आप एक अच्छा कॉलेज में जा सकें 2023 के अंत तक, और उसमें ब्रांच भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि सिर्फ कॉलेज, ब्रांच भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली 4 साल के बाद आपको ब्रांच ही काम में आएगा, जिससे क्योंकि उसी से रिलेटेड जॉब फील्ड में आप जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए आप इंस्टा या व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे को, वो नंबर अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। तो
चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे 97 प्लस परसेंटाइल के बारे में बात करें तो 145 एंड 170 मार्क्स का जरूरत है फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में, और इसके लिए जो रैंक है वो जनरल का 27,000 और अदर कैटेगरी का आप साइड वाइज देख सकते हैं, ऐसे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और 96 प्लस परसेंटाइल के लिए 112 130 मार्क्स चाहिए और जनरल के लिए 36,000 रैंक होगा, और 95 के लिए 105 120 मार्क्स चाहिए और जनरल के लिए 45,000 रैंक होगा जो कि CRL रैंक है। और 93 प्लस के लिए 90 एंड 102 मार्क्स का जरूरत है और इसके लिए CRL रैंक जो होगा वो 63,000 होगा। चाहे कितना भी आपका CRL रैंक हो, इवन 7 लैक 8 लैंक, उसके लिए भी कॉलेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे अदर काउंसलिंग हैं जो सा में नहीं मिलेंगे तो CSAB में मिलेंगे, और भी बहुत सारा काउंसलिंग है, बट आपका JEE स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके लिए जितना भी एफर्ट हो सके लगाएं ताकि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा अदर काउंसलिंग में भी अप्लाई करने का, वहाँ पे आप JEE के थ्रू अच्छे कॉलेज ले सकते हैं। तो अगर आप 90 के लिए बात करें तो 70 एंड 80 मार्क्स का ज़रूरत है और उसके लिए जो रैंक होगा उस पर जो रैंक होगा CRL वो 90,000, और अदर कैटेगरी जैसे OBC के 27,000, EWS का 12,000, SC का 2,300, ST का 1,100, तो ये सारे कैटेगरी रैंक अवेलेबल हैं। तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं आपको CRL रैंक मिलेगा और एक कैटेगरी रैंक मिलेगा। 87 प्लस परसेंटाइल के लिए 60 एंड 70 मार्क्स का ज़रूरत है और उस पर CRL रैंक 1.2 लाख का होगा। उसी तरह से फिर 84 प्लस परसेंटाइल के लिए आप बात करते हैं तो 54 एंड 60 मार्क्स का रिक्वायरमेंट है फर्स्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट में, और 1.45 लाख जो है इसका CRL रैंक होगा। और 80 प्लस परसेंटाइल का बात करें तो 48 मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट में, 55 मार्क्स सेकेंड अटेम्प्ट में, और इसके लिए जो रैंक बनेगा वो 1.8 लाख CRL में। 75 प्लस के लिए 37.45 मार्क्स और CRL रैंक 2.25 लाख, 2,25,000, और 70 के लिए 32 एंड 41 मार्क्स का ज़रूरत है और इसके लिए रैंक जो होगा 2.70 लाख। एंड उसके बाद अगर 65 के लिए बात करें 29 एंड 37 मार्क्स और रैंक जो है 3.15 लाख, और 60 के लिए 25 एंड 34 रैंक 3.6 लाख, और 55 के लिए 22 और 31 मार्क्स फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में, और इसके लिए जो रैंक होगा वो 4.05 लाख CRL रैंक। और इसके बाद फिर 50 प्लस परसेंटाइल के लिए 19 एंड 28 मार्क्स का ज़रूरत है फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में, और उसके बाद इस पर जो रैंक होगा वो 4.5 लाख होगा CRL रैंक। और 17 और 45 परसेंटाइल का बात करते हैं तो 17 एंड 25 मार्क्स सही होगा फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में, और इसके लिए रैंक जो है वो 5 लाख के आसपास होगा। और इसी तरह से 40 परसेंटाइल के लिए 12 और 20 मार्क्स का ज़रूरत है, इस पर जो रैंक बनेगा वो 5.4 लाख बनेगा। तो ये था कंप्लीट मार्क्स वर्सेस एक्सपेक्टेड परसेंटाइल वर्सेस एक्सपेक्टेड कैटेगरी रैंक, सारा इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपको दे चुके हैं। इसके बाद अभी बात करेंगे एडवांस का कट ऑफ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सारे वीडियो में हम बता चुके हैं, फिर से आपको बता दे रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है JEE एडवांस को क्वालिफाई करने के लिए। तो जनरल के लिए 86 टू 88 परसेंटाइल का ज़रूरत है और उसमें जो मार्क्स लगेंगे वो 40 टू 60, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 40 बोल सकते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में 60 तक जा सकता है मॉडरेट पेपर के लिए। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कितना परसेंटाइल लगेगा फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में, तो परसेंटाइल सेम रहेगा, परसेंटाइल चेंज नहीं होता है कट ऑफ का परसेंटाइल। और एक बात, आपको सेकंड अटेम्प्ट देने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसी में रैंक मिलेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सिर्फ परसेंटाइल मिलेगा, सेकंड अटेम्प्ट के बाद भी परसेंटाइल और रैंक दोनों मिलेगा। तो दोनों में से जो बेस्ट परसेंटाइल होगा उस पे जो बेस्ट आपका रैंक आएगा वो दिया जाएगा, और उस रैंकिंग के हिसाब से फिर आप JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई या नॉट क्वालिफाई होंगे। होप यू गेट द इन्फॉर्मेशन क्लियरली। तो अब बात करते हैं OBC के लिए 65-67 परसेंटाइल एंड मार्क्स 27 से 39 के बीच में रिक्वायर्ड होगा, और इसके बाद EWS के लिए 62-63 परसेंटाइल और इसके लिए मार्क्स जो है 25 से 37। SC के लिए 41 से 43 परसेंटाइल का ज़रूरत है और इसके लिए मार्क्स जो है 15 to 28, और ST के लिए 25 to 26 और मार्क्स जो है 8 to 16। अगर आप PWD से हैं तो आप सिर्फ एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे क्योंकि पासिंग परसेंटाइल जो है वो 0.11 ही है। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मार्क्स वर्सेस एक्सपेक्टेड परसेंटाइल वर्सेस एक्सपेक्टेड कैटेगरी रैंक, एंड एडवांस का कट ऑफ क्या होगा परसेंटाइल वाइज मार्क्स वाइज दोनों हम आपको बता देंगे सारे कैटेगरी के लिए। तो परसेंटाइल में कोई कैटेगरी सिस्टम नहीं होता है, सारे कैटेगरी के लिए परसेंटाइल जो होता है वो सेम ही होता है, बट आपका रैंक अलग अलग आएगा उस परसेंटाइल पे। 90 परसेंटाइल किसी को लाना हो, चाहे आप जनरल से हो, OBC से हो, SC ST से, सबको मार्क्स सेम ही लगेगा, बट उस 90 परसेंटाइल का बेनिफिट किन्हीं के लिए कम है किन्हीं के लिए ज़्यादा है क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके कैटेगरी पे, उसी तरह का रैंक आपको मिलेगा।
आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके बारे में जो भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, अच्छा या ख़राब जो भी लगा उसके बारे में बताइए ताकि आगे से इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू।